गुड मॉर्निंग सुनील। ओके, तो सब लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई किया था जो कल क्लास में नोवल आर्ट डिस्कस किया था? आपने तो कर लिया था घर कल ही हल्के, बाकी लोगों ने भी किया? हो गया क्वेश्चन सब लोगों से वो वाला? अगर हो गया तो कराने की जरूरत है क्या? ओके, ठीक है, मतलब नहीं हुआ ना सुशांत? ठीक है, चलो कोई बात नहीं सुशांत, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चल। देर वर सिक्स चिल्ड्रन। There were six children playing a game on the staircase of a building which had 30 steps numbered 1 to 30 from top to bottom in that order. Thus, the topmost step was numbered as 1, the second step of the top was numbered as 2, and so on. Out of the six children, Alexa, Ronit, and Love were girls, whereas Brian, Anish, and George were boys. No two children were standing on the same step of the staircase initially. They were standing on the stairs numbered between 10 and 20. मतलब मुझे पूरा एक से लेके 30 तक फ्लोर्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका करना रॉन्ग हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है यहाँ पर, आपको 10 से 30 के बीच में काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके चलो अब आगे देखते हैं क्या देखा है क्वेश्चन में। ईच ऑफ देम हैड सम टॉफीज इन देयर रेस्पेक्टिव बैग। ठीक है, दे हैड डिसाइडेड ऑन द रूल्स ऑफ देयर गेम इन विच दे विल चेंज देयर पोजीशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टॉफीज दे हैव। ओके, चिल्ड्रन विद एन इवन नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम। कौन कौन है यहाँ पर? वो चिल्ड्रन विद एन इवन नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम्स। कौन कौन है यहाँ पर? एक तो आपका इवन के संग कौन है? लव है, उसके बाद कौन है आपका? अंश और जॉर्ज। ठीक है, लव, अंश और जॉर्ज। चिल्ड्रन विद एन इवन नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम वर स्टैंडिंग ऑन द ऑड नंबर स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस। किस पर खड़े हैं ये लोग? ऑड नंबर वाली स्टेयरकेस पे। ठीक है, एंड चिल्ड्रन विद एन ऑड नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम। कौन कौन है बचे हुए? एक तो आपका हो जाएगा रोनित, एलेक्सा और ब्राइन। ओके, दे वर स्टैंडिंग एट द इवन नंबर ऑफ स्टेप। ठीक, और इनको खड़ा कहां पर होना है? 10 से 20 के बीच में, है ना? मतलब 10 पे नहीं, 20 पे नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनमें से किसी एक पर इन्हें खड़ा होना है, और ये रूल इनको दिया हुआ है। ठीक है, द नंबर ऑफ टॉफीज विद द चिल्ड्रन वर 50, 31, 35, 36, 30, 57। ये टॉफी है इन लोगों के पास, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ठीक, याद है सबको, क्लियर होगा उम्मीद करता हूं।
the number of toffees with Alexa is an even number, which is twice her staircase number. देखो एलेक्सा के पास कितनी टॉफीज हैं, ध्यान सब लोग सुनेंगे पहले एक बार और दिमाग लगा के देखेंगे. The number of toffees with Alexa is an even number. Okay, इसके बाद क्या है? Even toffees हैं. घर रुक जाओ अभी आप आंसर नहीं करो, सब लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाने दो. ठीक है, विद एलेक्सा इज एन इवन नंबर विच इज ट्वाइस हर स्टेयरकेस. तो इवन नंबर में ये 50 हो सकता है, 36 हो सकता है, 30 हो सकता है. 50 हो नहीं सकता क्योंकि अगर इसके पास 50 ट्रॉफीज है तो मतलब ये 25 वाली स्टेयरकेस में बैठा, लेकिन वो केस नहीं बन सकता. तो बचता 36 और 30. अब बात आती है अगर इसके पास 36 ट्रॉफीज है तो इसका मतलब ये 18 नंबर वाली स्टेयरकेस में बैठा होगा, और अगर 50 है तो 15 वाली में बैठा होगा. लेकिन एलेक्सा के नाम में 5 लेटर्स हैं और ये इवन नंबर पे ही बैठ सकता है या बैठ सकती है, वो मैटर नहीं कर रहा अभी. तो इसका मतलब एलेक्सा आपका 18 नंबर वाली स्टेयरकेस पर बैठा या बैठी होगी और इसके पास 36 ट्रॉफियां होंगी. क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? 15 इसलिए नहीं, देखो दो ही केस बन सकते थे, 36 या 30 ट्रॉफी दे दो, इवन है, इवन नंबर ऑफ ट्रॉफीज है. अगर 50 हो नहीं सकता था क्योंकि 50 का मतलब हो गया 25 नंबर वाली स्टेयरकेस पर वहां बैठ नहीं सकता, तो बचा कौन? या तो 18 या 15. 15 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एलेक्सा के नाम में 5 लेटर आते हैं, 5 लेटर कैसे हो गए? ऑड लेटर्स हो गए. इसका मतलब एलेक्सा कहां बैठेगा? बैठेगा, बैठेगी इवन स्टेयरकेस पे. तो 15 जो है वो इवन स्टेयरकेस नहीं है, 18 इवन स्टेयरकेस है. इसका मतलब यहाँ पे एलेक्सा का जो केस है वो सिंपल हो जाता है कि एलेक्सा के पास कितनी ट्रॉफियां हैं? एलेक्सा के पास 36 ट्रॉफियां हैं, तो इसको आप कट कर दो. ठीक, आगे देखते हैं. एलेक्सा एंड जॉर्ज वर स्टैंडिंग एट अ गैप ऑफ 4 स्टेप्स. ओके, मतलब इन दोनों के बीच में 4 स्टेप्स का गैप था. एंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टॉफीज विद देम इज 1. अभी इन दोनों की स्टेयर केस के बीच, इन दोनों की स्टेयर में 4 स्टेयर्स का गैप है, तो अगर 18 पे है तो जॉर्ज कहां जाएगा? जॉर्ज है ना बेटा, एलेक्सा एंड जॉर्ज. तो 1, 2, 3, 4 वो कितने नंबर पे आएगा? 13 नंबर पे, राइट? क्योंकि इनके बीच में कितनी स्टेयर केस का गैप है? 4 का. तो 1, 2, 3, 4 और इसके पास एक टॉफी कम है, मतलब इसके पास कितनी टॉफियां होंगी? 35. तो जॉर्ज के पास कितनी ट्रॉफी हो गई? 35 ट्रॉफी हो गई. ठीक है, आगे देखते हैं. ओके, द स्टेयर नंबर्स ऑफ ब्राइन एंड लव आर नॉट प्राइम नंबर्स. तो इसका मतलब पहले तो ये देखो कि स्टेयर केस ऑफ ब्राइन एंड लव प्राइम नंबर नहीं है. तो पहली चीज तो आप ये देखो कि जो लव है वो ऑड नंबर वाली स्टेयर केस पे होगा. कौन कौन सी पे हो सकता है? 11, 13, 15, 17, 19. 19 हो नहीं सकता क्योंकि 19 प्राइम है, 17 हो नहीं सकता क्योंकि 17 प्राइम है, 13 पे जॉर्ज बैठा लेकिन वो भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है. इसका मतलब लव कहां पे बैठा है? 15 नंबर वाली स्टेयर केस पे. क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? उसके बाद सेम चीज ब्रायन के लिए कही गई है, बट ब्रायन के पास केसेस काफी सारे हो सकते हैं क्योंकि ब्रायन 12 पे भी हो सकता है, 14 पे भी हो सकता है, 16 पे हो सकता है, और बस इन तीनों पे से हो सकता है क्योंकि 18 पे नहीं होगा, 18 पे एलेक्सा, और 20 पे नहीं होगा क्योंकि वो लोग 10 से 20 के बीच में बैठे हैं. अब बात आती है इन तीनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ब्रायन की जो अभी पोजिशन है वो फिक्स नहीं रख सकता मैं, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया. ठीक है, द स्टेयर नंबर ऑफ ब्रायन एंड लव आर नॉट प्राइम नंबर्स. द नंबर ऑफ टॉफीज विद लव इज अ मल्टीपल ऑफ आर स्टेयर केस नंबर. तो लव के पास 15 है टॉफी, 15 वाली स्टेयर केस पर बैठा है, तो उसके पास जो टॉफियां हैं वो इसका मल्टीपल है. इसका मतलब या तो 30 होगा या 15 होगा या 45 होगा. सिर्फ 30 है तो उसके पास लव के पास कितनी टॉफियां होंगी? 30. यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ब्रायन इज स्टैंडिंग अबव जॉर्ज. यहां से सीन पूरा क्लियर हो जाता है. ब्रायन इज स्टैंडिंग अबव जॉर्ज, इसका मतलब ब्रायन कहां खड़ा होगा? 12 नंबर पे. यस, ये चीज भी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई. बात करते हैं आगे. द स्टेयर केस नंबर ऑफ अंश इज हायर देन द स्टेयर केस नंबर ऑफ रोहित बाई 5. ओके, द स्टेयर केस नंबर ऑफ अंश इज हायर देन द स्टेयर केस नंबर ऑफ रोहित बाई 5. मतलब दोनों की स्टेयर केस का जो नंबर का डिफरेंस है वो 5 आना चाहिए. ठीक है, रोहित हैज लेस देन 50 टॉफीज. लेस देन 50 टॉफीज का मतलब या तो रोहित के पास, ऑब्वियसली बात है रोहित के पास कितनी होंगी? 31 ट्रॉफी होंगी क्योंकि एक ही नंबर बचा है जो लेस देन 50 है. ठीक है,
सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज इज दैट ऑफ अंश, तो अंश के पास कितनी ट्रॉफीज हो गई 50, तो जो आपका कौन बचा है आपका ब्रायन बचा है, ब्रायन के पास कितनी हो जाएंगी 57। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रोनित इस वाले पॉइंट की, द स्टेयरकेस नंबर ऑफ अंश इज हाइयर देन द स्टेयरकेस नंबर ऑफ रोनित। ठीक है, तो अब अंश का स्टेयरकेस नंबर अंश इज हाइयर, इसका मतलब क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में अंश का स्टेयरकेस नंबर हाइयर है रोनित से 5। तो देखो अंश को मैं कहां बैठा सकता हूं, अंश को अगर मैं 19 पे बैठाऊंगा तो रोनित 15 पे 14 पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 18 पे बैठा नहीं सकता, 17 पे बैठाऊंगा 17 और 5 का डिफरेंस 12 पानी आ जाता, 16 और 5 का डिफरेंस 11। एक सेकेंड, तो इसके लिए तो आपकी दो कंडीशन बन सकती है, क्योंकि यहां पर ये लिखा हुआ है that the staircase number of Ansh is higher than the staircase number of Ronit by 5. Ansh is higher. तो अगर मैं अंश को यहां बैठाता हूं, ओके यस, ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट हाँ, अंश क्या है, अंश के पास या तो हो सकता है 19 नंबर, ठीक है, या अंश आपका 16 पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अंश के पास इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, तो इवन नंबर वाला ऑड भी जाएगा, तो अंश आएगा 19 पे और 14 माइनस करेंगे तो रोनित आएगा इस पे। ठीक है, अब यहां पर बात आती है रोनित के पास 31 ट्रॉफियां हैं और अंश के पास 50 ट्रॉफियां, क्लियर सब लोगों को क्वेश्चन यहां तक, क्वेश्चन क्लियर सब लोगों को यहां तक, बता दो एक बार। ठीक है, अब यहां पर कुछ रूल्स हैं जिस रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने इधर उधर चीजों को किया है, तो वो एक बार रूल्स देख लेते हैं। द पर्सन हु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज मूव्ड टू स्टेप वन ऑफ द स्टेयरकेस, किसके पास है हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज, ब्रायन के पास है, तो ब्रायन को भाई भेज दो पहले नंबर स्टेयरकेस पे, ठीक। द पर्सन हुज नंबर ऑफ टॉफीज इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसके पास है, 35 प्राइम नहीं है, 30 प्राइम नहीं है, 36 प्राइम नहीं है, 50 नहीं है, 31 है, रोनित की बात कर रहा है, मूव्ड बिलो बाय 5 स्टेप्स, तो अगर आप रोनित को 5 स्टेप नीचे लेके जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब अंश की जगह आएगा, आगे और पढ़ लो, इफ इट इज नॉट ऑक्यूपाइड अदरवाइज अ पर्सन रिमेन इन ओरिजिनल पोजिशन, मतलब मुझे रोनित को उठाकर अंश की जगह रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वहां पर जो स्टेयर केस है वो खाली होती तो मैं मूव करता, अदरवाइज मैं नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टॉफीज विद एनी टू पर्सन वाज अ मल्टीपल ऑफ 10 देन दे स्वैप्ड देयर पोजीशन। ओके, तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो 10, 20, 30 है, 10 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, सो किसका पॉसिबल है यहाँ पर 30 का और 50 का लग रहा है मुझे, है ना, लव एंड अंश का, करेक्ट, तो इन दोनों की पोजिशन क्या होगी, एक दूसरे से स्वैप हो जाएगी, किनकी, लव की और अंश की जो पोजिशन है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, तो वो आप ऐसे कर लो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्सन हुज नंबर एंड द नंबर, द पर्सन हुज नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफीज इज अ परफेक्ट स्क्वायर मूव 10 स्टेप अबव, तो परफेक्ट स्क्वायर 36 है एलेक्सा के पास, तो एलेक्सा 10 स्टेप ऊपर चले जाएंगे, मतलब कौन सी स्टेयरकेस पे आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 नंबर पे आ जाएगा कौन, एलेक्सा। क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर है बेटा, नेक्स्ट, द पर्सन हु स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफीज आर ऑड नंबर्ड रिमेंड इन हिज ओरिजिनल पोजिशन, इनकी बात कर रहे हैं, द पर्सन हु स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफीज आर ऑड नंबर रिमेंड इन हिज ओरिजिनल पोजिशन। ओके, यहाँ पर या दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी या एक से भी काम चलेगा, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफीज आर ऑड नंबर्स, हाँ मतलब दोनों ही अगर ऑड है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बैठेगा, जैसे कि ब्रायन को तो मूव कर दिया कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्रायन की तो स्टेयर केस नंबर भी आपकी इवन थी, जॉर्ज आपका सेम प्लेस पर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, जॉर्ज वैसे भी कहीं नहीं जा रहा, रोनित में एक उसकी पोजीशन इवन है, अब आती लव की बात आती है, तो लव के केस में क्या है, यहाँ पर द पर्सन उसकी जो टॉफीज है वो इवन है तो उसको मूव कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस यही था जॉर्ज का केस था, वो जॉर्ज को एज इट इज रहने देंगे। ठीक, समझ आ गया सब लोगों को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूरा बना है, ये आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, ये 10 का था या 8 मार्क्स का था, ये अभी रिसेंट आया था आपका
शायद ये एसबीआई क्लर्क मेंस का था 2020 का क्वेश्चन, तो ये 8 मार्क्स का था, इसमें 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, काफी सारे लोग इसको पढ़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि इतनी लेंथी क्वेश्चन था। सर लास्ट में एलेक्सा की जगह खाली हो गई। हाँ, एलेक्सा यहाँ पहुंच गया ना। उधर जॉर्ज क्यों आएगा? वहां पर क्या लिखा है? ये लिखा है द पर्सन हुज स्टीयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफी आर ऑड नंबर रिमेंड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो जॉर्ज का तो स्टीयर नंबर भी 13 है और टॉफी भी 35 है, दोनों ही आपको ऑड है, तो वो क्यों हटेगा वहां से? वो नहीं हटेगा सुशांत वहां से। जॉर्ज की जो कंडीशन है वो लास्ट वाला रूल फॉलो कर रहा है, द पर्सन हुज स्टीयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफीज आर ऑड रिमेंड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, तो जॉर्ज कहीं नहीं जाएगा सुशांत। समझ आया? चले आगे। चलो ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग स्वैप्ट देयर पोजिशन, हु अमंग द फॉलोइंग स्वैप्ट देयर पोजिशन, किसने अपनी पोजिशन को इंटरचेंज किया है? गर्व कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लव एंड अंश। चेक कर लेते हैं एक बार। जी हाँ, लव और अंश ने अपनी पोजिशन को इंटरचेंज किया। चलो, व्हाट इज द न्यू स्टेयर केस नंबर ऑफ एलेक्सा, एलेक्सा का नया स्टेयर केस नंबर कितना है? डी ऑप्शन नंबर, दैट इज 8। समझ आया क्वेश्चन सब लोगों को अच्छे से? ये मेन सेवल का प्रॉब्लम था। कोमल, मंजू, कस्तूरी, चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व करो जी।
बालक और बालिकाओं, वो क्वेश्चन प्रयास जारी है आप लोगों का। 3 मिनट और चाहिए घर। ये कैसे आपने कैलकुलेट किया टाइम? आधा नहीं हुआ। आज सब पूरा करोगे बेटा तभी तो मार्क्स मिलेंगे। श्रेयांश ने कर लिया, वेरी गुड श्रेयांश, कीप इट अप। एक मिनट और है आपके पास। पहले करोगे आप लोग, उसके बाद मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। वेरी गुड आस्था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंट में। आईबीपीएस क्लर्क मींस 28 फेब को जो पेपर हुआ था अभी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। 5 मार्क्स का था मेंस का, ठीक है। चलो गर्व करें। हाँ भाई गर्व, देर आर 7 डिफरेंट आइसक्रीम पार्लर ए बी सी डी ई एफ एंड जी, हु सोल्ड डिफरेंट ब्रांड ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम मंडे टू संडे।
of the same week, but not necessarily in the same order. The number of ice creams sold by the seven shops in seven different days are 4, 6, 19, 9, 12, 18, 15, 27, not necessarily in the same order. पहली बात तो ये लोग सेवन डिफरेंट आइसक्रीम पार्लर्स हैं, मंडे टू संडे सेल कर रहे हैं, तो पहली चीज तो ये जो पजल है ये आपका आएगा किस कैटेगरी के अंदर, शेड्यूलिंग बेस्ड पजल के अंदर आएगा। ये हो गया सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार एंड दिस इज योर रविवार, ठीक है। अब हो गया, वेरी गुड सुशांत, कीप इट अप। ठीक, ओके, तो आइसक्रीम सेल करने वाले कौन कौन से, वो नंबर्स को हम देख लेंगे। द शॉप ए सोल्ड आइसक्रीम्स इन वन ऑफ द डेज आफ्टर फ्राइडे। तो यहाँ पर आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैक्स टू मैक्स दो कंडीशन बनेंगी, और मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं जब भी किसी भी चीज की दो कंडीशन बन रही है तो बना लो, उससे ऊपर अगर जा रहा है तो राइट इट डाउन असाइड, ठीक है, उसको उस टाइम पर मत कैरी करो। अभी यहाँ पर क्या लिखा था, शॉप है सोल्ड आइसक्रीम इन वन ऑफ द डेज आफ्टर फ्राइडे, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो सैटरडे या फ्राइडे, सैटरडे या संडे, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। On Wednesday, the number of ice cream sold are 12, मतलब बुधवार के दिन 12 आइसक्रीम सेल हुई है। The difference between the number of ice cream sold on Monday and Friday is the multiple of the number 7. मतलब कहने का ये है कि सोमवार को और शुक्रवार को जो आइसक्रीम सेल हुई है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 का गुणा है या 7 का मल्टीपल है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप कंडीशन चेक करने जाओगे तो उसको अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर नंबर को मैच करके देखने की जरूरत नहीं है, वो चीज को लिख के रख लो, ठीक है। देयर आर टू शॉप्स बिटवीन द शॉप एफ एंड द शॉप व्हिच हैज सोल्ड 4 आइसक्रीम्स, मतलब एफ के बीच में और जिस दिन 4 आइसक्रीम, जिस पार्लर ने 4 आइसक्रीम बेची उनके बीच में 2 दिन का गैप है। शॉप बी sold ice creams on one of the days immediately before the shop that sold 9 ice cream, मतलब जिस दिन बी पार्लर ने आइसक्रीम बेची है वो 9 आइसक्रीम पीसेस सेल हुई है उससे जस्ट पहले है, ठीक है। देर आर टू शॉप्स बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में 2 शॉप है। There are 3 shops between F and D. So there are 3 shops between F and D. F और D के बीच में 3 shop है। C not sold the least number of ice cream. इसका मतलब C ने 4 ice cream नहीं बेची क्योंकि least number वही है आपका। समझ आया ये point? 4 ice cream least है तो यहाँ क्या लिखा? C not sold the least number of ice cream. इसका मतलब C ने 4 ice cream नहीं बेची। The sum of ice cream sold in Wednesday and Saturday is more than 10, okay, वो तो हो ही जाएगा क्योंकि अगर वेडनेसडे को 12 आइसक्रीम सेल करी गई है तो अगर सैटरडे को 8 भी नहीं सेल करी है तो भी 10 के ऊपर होगा। एंड द सम इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे। ये चीज नोट करने वाली है कि वेडनेसडे प्लस सैटरडे को जितनी आइसक्रीम सेल हुई है उतनी फ्राइडे का सम बना रहा है मिलकर, ठीक। ये पॉइंट नोट करने वाला था। The difference between the number of ice cream sold by shop B and shop G is less than 5. B और G के बीच का जो difference है वो 5 से कम है। The shop which sold 9 ice cream not on Friday, मतलब शुक्रवार के दिन 9 ice cream नहीं sale हुई है। The shop F sold the ice cream in one of the days after the shop which sold 4 ice cream. इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट था ना इसको मैं ऐसे नोट डाउन कर सकता था कि पहले 4 आइसक्रीम सेल करी गई है उसके 2 दिन बाद एफ ने सेल करा है। समझ में आया ना ये पॉइंट, क्योंकि 4 और एफ के बीच में 2 का गैप था और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द शॉप एफ सोल्ड आइसक्रीम इन वन ऑफ द डेज आफ्टर द शॉप व्हिच सोल्ड 4 आइसक्रीम्स, ठीक। द शॉप व्हिच सोल्ड मोर देन 12 आइसक्रीम्स
नॉट एन ऑड नंबर. आप बात को ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर द शॉप विच सोल्ड मोर देन 12 आइसक्रीम विच इज नॉट एन ऑड नंबर. कहने का मतलब ये 12 से ज्यादा कितनी आइसक्रीम थी यहाँ पे, या तो 18, 15 या 27. अब मुझे ऑड नहीं चाहिए तो 15 नहीं चाहिए, 27 नहीं चाहिए, तो बचा क्या? सीएसी तो ये नहीं बोल देते, 18 की बात कर रहा है ना. द शॉप विच सोल्ड 18 इज इमीडिएटली आफ्टर द वन विच सोल्ड 12 आइसक्रीम. इसका मतलब 18 आइसक्रीम थर्सडे को आ जाएंगी. शॉप एफ सोल्ड मोर नंबर ऑफ आइसक्रीम देन शॉप डी. इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ ने डी से ज्यादा आइसक्रीम बेची. अब मुझे बताओ क्या सबको समझ में आया यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी में कोई भी जना? ठीक, अब यहां बातचीत करते हैं. हमारे पास जो डाटा है इसे कैसे अरेंजमेंट है पुट करना है, ठीक है? कुछ कह रहे हो कोई भी जना? चलो अब बात करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कि फोर और एफ के बीच में दो का गैप है, फोर पहले आ रहा है, ठीक है? तो अभी हम लोग इसको कैसे पुट कर सकते हैं? देखो, फोर यहां नहीं आएगा, फोर को यहां पुट कर नहीं सकता, ठीक? तो इसका मतलब यहां पर कुल मिला के इतनी सी बात ये है, फोर और एफ के बीच में दो लोग हैं. तो अगर मैं फोर को यहां रखता हूं तो ध्यान से सुनना बेटा, एक दो एफ यहां आ जाएगा, ठीक? सिर्फ सुन तो चलो अभी. और एफ और डी के बीच में तीन है, तो अगर मैं एफ को बीच में रखूंगा तो डी के संग तीन का पाड़ा बनेगा ही नहीं. इसका मतलब यहां एफ नहीं आ सकता, तो यहां फोर नहीं आएगा. बचा क्या? फोर. इसका मतलब यहां आएगा, एक दो एफ यहां आएगा, एक दो तीन डी यहां आएगा, ठीक? अभी इसकी बात कर लेते हैं, समझ आ रहा है? ऊपर वाले केस की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, ठीक है? अब यहां पर और क्या चीज देखेंगे? देखो इस वाली कंडीशन को देखो, नाइन से जस्ट पहले बी था, तो नाइन संडे को रख नहीं सकता क्योंकि इधर ए बैठा है. नाइन सैटरडे को रखता हूं तो इधर बी नहीं आएगा. नाइन फ्राइडे को आएगा नहीं, नाइन यहाँ आ नहीं सकता, नाइन यहाँ नहीं आ सकता, नाइन यहाँ नहीं आ सकता. गेम खत्म. ये वाला केस हो गया गलत, ठीक? अब बात कर लेते हैं यहां से वापस से. सीधी सी बात यह है कि एफ को मैं यहां नहीं रख पाऊंगा मिडिल में, ठीक है? और मेरा फोर यहां जाएगा नहीं क्योंकि फोर के बाद आ रहा है एफ, तो इसका मतलब फोर मेरा यही रहेगा फिक्स. नहीं नहीं सॉरी, फोर यहाँ फिक्स नहीं रहेगा, फोर रहेगा मंगलवार को फिक्स. तो फोर आपका यहाँ जाएगा, एक दो एफ यहाँ आ जाएगा, एक दो तीन बी यहाँ आ जाएगा, ठीक? अब बात आती है नौ और बी की, तो नौ को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, बी आ जाएगा यहाँ पे. नौ को यहाँ प्लेस कर नहीं पाता क्योंकि यहाँ एफ था. इसका मतलब ये वाली कहानी भी सिमट गई, ये वाली कहानी भी हो गई, ये वाली कहानी भी हो गई. क्या समझ में आई ये कहानी आप सभी लोगों को? बताओ मुझे, क्या ये वाली कहानी सब लोगों को यहां तक समझ में आई? ऊपर वाला केस क्यों कटा? कस्तूरी, गरिमा, दरक्षण, ठीक है? अब बताती बी और जी के बीच में दो लोग, तो बी यहां पर है, तो एक दो जी आपका, एक दो जी आपका यहां आ जाएगा, ठीक? जी फिक्स, डी फिक्स, एफ फिक्स, बी फिक्स, ए फिक्स, ठीक? अब बात आती है सी मिनिमम नहीं सेल कर रहा, तो उसका मतलब सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ आ जाएगा. और कौन बच गया? ए बी सी डी ई बच गया, ई यहाँ आ जाएगा, ठीक? ये सारा अरेंजमेंट आपने कर दिया, ठीक? अब बात आती है कि वेडनेसडे को कितनी सेल हो रही है? 12. सैटरडे को कितनी सेल हो रही है? पता नहीं. और वो मिलाकर फ्राइडे को जाएगा. तो देखो, अगर वेडनेसडे को 12 है और सैटरडे को पता नहीं है, तो फ्राइडे को जो है वो वेडनेसडे सैटरडे का समय, तो इसका मतलब या तो 18 होगा या 15 होगा या 27 होगा. 18 के लिए 18 ऑलरेडी हो चुका, 15 के लिए मुझे तीन आइसक्रीम चाहिए, तीन आइसक्रीम है ही नहीं. तो बात आती है कि 12 के संग जो पेयर बनेगा वो 15 का बनेगा. इसका मतलब अगर वेडनेसडे को 12 है तो सैटरडे को होगा 15 और इन दोनों का सम मिलाकर फ्राइडे को होगा 27. क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या ये वाली बात सबको हजम हुई? कैसे लग करी मैंने बताओ सभी लोग? ठीक है बेटा, ये वाली कहानी हो चुकी. अब यहाँ पर देखो, बी और जी के बीच में सम है, जो डिफरेंस है वो 5 से कम होना चाहिए. बी का 15 है और आपका जी का 12 है, सब मिलाकर 5 से कम है, कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. एफ डी से ज्यादा सेल कर रहा है तो डी के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, डी सेल कर देगा 6, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. अब बात आती है कि ये मैंने सेटिस्फाई नहीं करी कंडीशन, अपने आप ही हो जाएगी. देखो अब यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि और कुछ केस बन नहीं रहा. मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस कहाँ है? मंडे को 6 आइसक्रीम सेल हो रही है,
फ्राइडे को 27 सेल हो रही है, दोनों का डिफरेंस कितना है 27 और 21, क्या 21 7 का मल्टीप्लाई होता है? बिल्कुल होता है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो आपका केस बना है नीचे, ये बिल्कुल भी बिल्कुल सही है, इसको एक बार देख लो। आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021 फरवरी 28 को जो पेपर हुआ था उसमें 5 मार्क्स का ही आया था। सब लोगों को समझ में आया? दरक्षण आप रेगुलर नहीं रहते हो बेटा, आप लास्ट 2-3 क्लासेस में नहीं हो, वाइस हो। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस टॉपिक इज द हार्ट ऑफ बैंकिंग, अगर आप इसको लीव कर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। पर अगर आप नहीं आ रहे हो तो आई होप आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो टाइम टू टाइम। गुड, सब समझ में आया? वहां पर कोई डाउट तो नहीं है उन क्लासेस में, रिकॉर्डेड सेशन सेशंस में? ठीक, चलिए। गर्व कहाँ पे मिस कर रहे थे इस क्वेश्चन को आप लोग? देखो जिन लोगों ने बना लिया बहुत अच्छी बात है, सुशांत ने बना लिया था है ना। अब जिन लोगों ने नहीं बनाया मुझे ये बताओ आप लोग कहाँ पे चूक कर रहे थे, क्या पॉइंट नहीं समझ रहे थे? वो चीज इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर काम करना है। देखो सीधी बात है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की एक स्टेटमेंट बोलूंगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को मिस कर जाओगे पूरा पजल सीटिंग अरेंजमेंट खराब होगा, वो खराब होगा सो होगा, आपके 8-9 मिनट खराब करके जाएगा, ना तो एक नंबर देके जाएगा और कॉन्फिडेंस की आपकी बैंड बजा देगा पूरे, और पूरा सेक्शन आपका बिगड़ सकता है। इसलिए हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस, और बहुत प्रैक्टिस करो ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा कि जितनी आप कर लेते हो एग्जाम से पहले उतनी कम है ठीक है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो उस चीज को ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां ही हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए वरना ये पूरा पेपर खराब कर देती है। चलो, Who among the following आइसक्रीम पार्लर सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम्स एंड ऑन विच डे, कौन से दिन सबसे ज्यादा आइसक्रीम सेल करी गई थी और किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई है एफ के द्वारा, शुक्रवार वाले दिन 27 आइसक्रीम ठीक है। तो एफ सैटरडे करेक्ट आंसर है यहाँ पर, एफ सैटरडे फ्राइडे, एफ फ्राइडे ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर, 27 आइसक्रीम रिसीविंग सेल हुई है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर अदर, बताओ मुझे इसका आंसर आप लोग देख के, अपना सॉल्यूशन से देखो और इसका आंसर मुझे बताओ। हाँ ठीक कह रहे हो, एफ ऑड है, मैंने कहने का मतलब यह है कि एफ ने ऑड नंबर आइसक्रीम सेल करी है, और बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं जैसे ई है, ई ने सेल करी है 4 आइसक्रीम, डी ने सेल करी है 4 आइसक्रीम, डी ने सेल करी है 6, जी ने करी है आपकी 12, एफ ने करी 27, सी ने कितनी करी है, सी ने करी है 18। तो मतलब इन चारों लोगों ने जो आइसक्रीम सेल करी है वो चारों कैसी इवन है, और एफ ने 27 सेल करी है, ये ऑड है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑड होगा ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको सॉल्व करो।
आस्था, अभिषेक, दरक्षण, गरिमा, गर्व, कस्तूरी, कोमल, सो गए क्या बच्चों? मंजू, प्रप्ति, संजीत, श्रेयांश, सुशांत। हाँ भाई, क्वेश्चन में खो गए या सो गए? दोनों पॉसिबिलिटी है, राइट? चॉकलेट पे चॉकलेट भरा है सर। चलो कोई नहीं, देर आर सेवन बॉक्सेस। चलो करें ना, हो गया ना आप लोगों को ट्राई करके? किसी का कन्वर्ट हुआ क्वेश्चन? वेरी गुड सर। चलो सब लोग ध्यान से देखो जरा, ठीक है? देर आर सेवन बॉक्सेस विच आर कलर्ड विद डिफरेंट कलर्स, व्हाइट, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, ब्राउन एंड पिंक। They are placed one above the other
and contains different flavored cupcakes. Mint Oreo, chocolate, blueberry, mango, lemon, apple pie, and cranberry. But not necessarily in the same order. Further information is as below. 7 boxes रखे हैं, ठीक है? तो 7 boxes बना लो आप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक. पहली चीज तो इनके अंदर दो चीजें. एक तो ये कुछ cupcakes के बारे में, मतलब कुछ खाने पीने का item है. और दूसरा इनका colors दिया हुआ है. इसका मतलब आपके पास दो variable. ठीक है? आगे देखते हैं. Boxes containing either mango or cranberry cupcake, either mango or cranberry cupcake is on the top or first place. Okay, इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने अभी तक ऐसा नहीं बताया था कहीं भी कि जो boxes का arrangement है वो कैसे है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है या फिर नीचे से 1, 2 है या ऊपर से 1, 2 है. ठीक है? But इस point की बात ही बड़ा clear हो जाता है. The boxes containing either mango or cranberry cupcake is on the top or first place respectively. इसका मतलब क्या है? जब यहाँ पर दो अलग अलग variables की बात करी गई है तो top और first, मतलब top पर आएगा 7. समझ आया ये point आप लोगों को? ये point पकड़ पाए? जब मैं बोल रहा हूँ top और first, देखो मैंने यहाँ पर दो variables use करे ना, mango और cranberry cupcake. उन दो, वो दोनों या तो top पे है या first पे है. इसका मतलब जो मेरी टॉप पोजीशन है वो 7th है. जो मेरी टॉप पोजीशन है वो कौन सी है? घर समझ में आया ये पॉइंट आपने इस तरीके से लिया था? आया ना करके बता दो बच्चों. बहुत अच्छा है. तो ठीक है, अब यहां पर पॉइंट क्या है कि आइदर मैंगो और कैनबेरी कपकेक इज ऑन द टॉप और फर्स्ट प्लेस रेस्पेक्टिवली. अब यहां पर एक चीज है, यहां पर बीच में लगाए और यहां पर बीच में लगाए और यहां पर लिखा रेस्पेक्टिवली. तो क्या यहां पर कंफर्म है कि मैंगो ऊपर है या कैनबेरी ऊपर है? बताओ, क्या यहां पर कंफर्म है ये पॉइंट? नहीं है. बट ये चीज कंफर्म है कि या तो यहां पर मैंगो आएगा या क्रैनबेरी आएगा. सिमिलरली या तो यहां पर मैंगो आएगा या फिर यहां पर क्रैनबेरी आएगा. ठीक है, चलो. द ब्राउन बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन 5th प्लेस फ्रॉम द बॉटम. बॉटम से 5वें स्थान पर कौन है? ब्राउन बॉक्स. The boxes containing chocolate and apple pie cupcake are placed consecutively. इसका मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं है. चॉकलेट और एप्पल पाई कपकेक, ये दोनों क्या है? कंसेक्यूटिव रखे हुए, मतलब कोई गैप नहीं है इनके बीच में. व्हाइट एंड रेड कलर बॉक्सेस कंटेनिंग मिंट ओरियो एंड लेमन कपकेक रेस्पेक्टिवली. यहां पे क्लियर है कि जो मिंट ओरियो है वो कौन से कलर के बॉक्स में है? व्हाइट में. और जो आपका लेमन कपकेक है वो किस में है? रेड में. येलो एंड ब्राउन बॉक्सेस आर प्लेस्ड एट कंसेक्यूटिव प्लेसेस. मतलब येलो और ब्राउन भी आपके लगातार रखे, मतलब कोई गैप नहीं है इसमें. अभी फिलहाल मेरा ब्राउन रखा है 5वें पर, तो येलो मेरा 4थे पे या 6थे पे हो सकता है. ब्लू बॉक्स व्हिच कंटेन्स चॉकलेट कपकेक. अब यहां से क्लियर हो जाता है. हाँ सॉरी, तो चॉकलेट कपकेक है उस, वो कौन से वाले के अंदर है? ब्लू के अंदर. The blue box which contain chocolate cupcake and white box have one box in between them. मतलब white और blue के बीच में एक gap है. या तो मैं ये बोल सकता हूँ mint Oreo और chocolate cupcake के बीच में एक का gap है. ठीक है. Yellow box which contain blueberry cupcake is placed just above the box containing apple pie cupcake. अब देखो, yellow box तो और ब्राउन बॉक्स आपके साथ रखे थे. ठीक है, अब बात आती है अगर मैं येलो बॉक्स को यहां पे रखता हूं तो येलो बॉक्स विच कंटेन्स ब्लूबेरी, तो ब्लूबेरी आपका यहां आ जाएगा. यहां पर दो कंडीशन दिख रही है, इस प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स कंटेनिंग एप्पल पाई, तो एप्पल पाई आपका यहां आ जाएगा. ठीक है,
ओके। और अब बात आती है कि एप्पल पाई और चॉकलेट कपकेक ये साथ रखे हैं, तो चॉकलेट आपका यहाँ आ जाएगा, तो ब्लू आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। व्हाइट और ब्लू के बीच में एक का गैप है, तो व्हाइट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिंट ओरियो में व्हाइट था, तो मिंट ओरियो यहाँ आ जाएगा। और लेमन के अंदर कौन सा कलर था, लेमन रेड था, तो रेड आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि लेमन ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता, तो लेमन यहाँ आ जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक सब लोगों को, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर इतना ही डाटा दिया हुआ है आपको, इसके अलावा तो कोई डाटा और है नहीं, जो डाटा था वो हमने सारा प्लेस कर लिया, करेक्ट। अब बात आती है कि दो कलर बचे आपके कौन कौन से, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, व्हाइट ब्लू येलो ब्राउन रेड भी हो चुका है, बचा है आपका ग्रीन और पिंक। तो यहाँ पर ग्रीन और पिंक को क्या करूं मैं, तो अभी ये डाउट क्वेश्चन में ही रह रहा है कि इनकी पोजीशंस फिक्स नहीं है, ग्रीन और पिंक की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ये दोनों या तो ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे, और सिमिलरली मैंगो और क्रेनबेरी कपकेक की पोजीशन फिक्स नहीं है। ये क्वेश्चन एज इट इज ही है, ये आपको एज इट इज ही कंडीशंस में ही छोड़ के जा रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ और कंडीशन तो है नहीं, जो कंडीशन दी हुई थी वो मैंने पुट कर ली। समझ में आया सब लोगों को, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। देखते हैं, द बॉक्स कंटेनिंग ब्लूबेरी कपकेक इज एट विच पोजीशन फ्रॉम ब्लू फ्रॉम बिलो, तो ब्लूबेरी कपकेक की पोजीशन क्या है नीचे से, कहां पर है ब्लूबेरी आपका, सिक्स्थ पोजीशन पे नीचे से, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। सभी लोगों को समझ में आया अच्छे से, क्वेश्चन नंबर तीनों क्वेश्चन आप जो करे हैं तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है सब लोगों को, बता दो एक बार फटाफट से जल्दी से। ओके ठीक है, तो अभी मैं आपको काम देने वाला हूँ, क्योंकि कल आपकी क्लासेस नहीं होगी इसकी। और हाँ, ध्यान से कल सब लोग सुबह 9 बजे यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाना, वहां पर हम लोग मेंस लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अब उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो कि जब आपको जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आपका काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 14 का, सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सब लोग स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। एक तो आपको ये ट्राई करना है, और मैं आप लोगों के साथ पजल्स की जो आपकी वो है वर्कशीट, वो भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी आपको ट्राई करनी है, ठीक है। तो आपके पास काफी टाइम है प्रैक्टिस करना, और बाकी हम लोग इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और इनकी उसकी प्रैक्टिस करो, और इस क्वेश्चन को भी ट्राई करके आना, ठीक है। ओके, चलो फिर आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, कल मिलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी सुबह 9 से 10 यूट्यूब पर लाइव, और फिर 12:30 बजे आपका जो सर ऑर्डर रैंकिंग की पीपीटी एंड वर्कशीट आपने प्रोवाइड नहीं की, बेटा डायरेक्शन मैंने सब कुछ प्रोवाइड करा है, आपने मिस कर दिया होगा, आप एक बार रूम मैम को बोल देना, हम आपको वापस फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो आप बोल देना रूम मैम को, आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, ओके।